इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने T20 प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान वर्ल्ड नंबर 1 बैटर सूर्य कुमार यादव के मजीद करीब पहुंच गए। भारत के सूर्य कुमार यादव 906 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर विराजमान हैं, जबकि मोहम्मद रिजवान 811 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं और इनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का 755 पॉइंट्स के साथ तीसरा नंबर है। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचेस की सीरीज में पॉइंट्स बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। दूसरी जानिब T20 बॉलिंग्स की रैंकिंग की मैं बात करें तो अफगानिस्तान के राशिद खान का पहला पोजीशन बरकरार है। अफगानिस्तान के फजल हक दूसरे और ऑस्ट्रेलिया के जॉस हेजलवुड तीसरे नंबर पर आ गए हैं। श्रीलंका के हसरंगा की 2 दर्जे तजासिल के बाद अब वो चौथे नंबर पर चले गए हैं और श्रीलंका के महेश दीक्षणा 5वें नंबर पर और ऑलराउंडर की रैंकिंग में बांग्लादेश के शकीबुल हसन पहला नंबर बरकरार रखे हुए हैं। दोस्तों, इस बारे में आप सब क्या राय है, क्या मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम इन दोनों में से कोई एक प्लेयर T20 का नंबर 1 बैटर बन पाएगा और सूर्य कुमार यादव को पहली पोजीशन से हटा पाएगा, और क्या बाबर आजम अपनी जो पोजीशन है वो दोबारा से नंबर 1 हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं। इस बारे में आप सबकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल आजकल को। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।